हेलो दोस्तों, आज ये हमारे पास आ गया है माइक्रो मैक्स का इन नोट 2। आज हम लोग इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और देखते हैं इसमें हमको क्या क्या मिलता है और इसके फीचर्स देखते हैं। तो कुछ इस तरह मिल जाता है ये बॉक्स इन नोट 2 का। पीछे कुछ की हाईलाइट मेंशन है, मीडियाटेक G95 ऑक्टाकोर प्रोसेसर का डिस्प्ले, फुल HD ऑमलेट पंच होल के साथ 6.43 इंच का डिस्प्ले। कैमरा का जो सेटअप है इसका 48 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल प्लस 2 फिर प्लस 2 और 5000 mAh की बैटरी, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन और 30 वाट की चार्जिंग मिल जाती है आपको। बॉक्स खुलते ही हमको पहले मिल जाता है स्मार्टफोन ऊपर ही रखा हुआ है और इसको एक मिनट के लिए रखते हैं साइड में। अंदर देखते हैं और क्या है बॉक्स कॉन्टेंट। एक छोटा सा बॉक्स जिसमें रखा हुआ है ये पिन बहुत ही बड़ी स्माइल के साथ, कुछ डॉक्यूमेंटेशन, इतना छोटा डॉक्यूमेंटेशन। पिछली बार एक हमने अनबॉक्सिंग की थी बुलेट वायरलेस G2 का, उसमें तो एक कॉपी ही बना के दे दिए थे। ये स्क्रीन प्रोटेक्टर अलग से मिल जाता है इसका, अच्छी बात है। एक TPU केस, सॉफ्ट मटेरियल है, सस्ता वाला TPU है लेकिन बढ़िया है जितने में। 30 वाट का पावर एडाप्टर मिल जाता है और एक USB टाइप ए टू टाइप सी केबल। केबल भी ठीक ठाक ही है, बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी केबल नहीं है, बट प्राइस के हिसाब से जितने हैं उतने में। अब देखते हैं फ़ोन को, इन सबको रखते हैं एक साइड में। कुछ इस तरह रखा हुआ मिल जाता है फ़ोन। फटाफट इसको हम सेटअप करते हैं, बूट करते हैं और सेटअप करके फिर हम आपसे मिलते हैं। तो बात करते हैं इसकी डिज़ाइन की। ऊपर से फिजिकल ओवरव्यू का तो कुछ इस तरह है। जो इसका पीछे का कैमरा सेटअप है ये एकदम सैमसंग के जो गैलेक्सी S20 सीरीज आई है उससे मिलता जुलता है। फ्रेम एकदम फ्लैट है, बैक ग्लास है, फ्रंट ग्लास है। जो कैमरा सेटअप है 48 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल प्लस 2 प्लस 2। नीचे के साइड लगा हुआ टाइप सी पोर्ट, 3.5 mm ऑडियो जैक, स्पीकर। ऊपर की साइड लगा हुआ है एक माइक्रोफोन। इसका जो बॉडी है पूरा फ्लैट है और लेफ्ट साइड में पूरा क्लीन है। राइट साइड में मिल जाता आपको एक पावर बटन, वॉल्यूम अप बटन एंड डाउन बटन। और इसका डिस्प्ले काफ़ी बढ़िया है, पंच होल कटआउट के साथ आता है, जो कि इसमें लगा है 16 मेगापिक्सल का कैमरा। डिस्प्ले काफ़ी ब्राइट है, वाइब्रेंट है, कलर काफ़ी पंची कलर आते हैं। बात करते हैं इसके बैक के, तो बैक काफ़ी रिफ्लेक्टिव है, गोरिल्ला ग्लास 3 के साथ आता है, काफ़ी रिफ्लेक्टिव है। जो इसका डिस्प्ले है ब्राइट डिस्प्ले है इसका, 6.43 इंच का फुल HD है, पंच होल कैमरा है। यहाँ जो फ्रंट कैमरा इसका 16 मेगापिक्सल का है, काफ़ी बढ़िया फ़ोटो खींच लेता है। कुछ आपको फ़ोटो सैंपल आपको दिखाते हैं जो कि खींचे गए हैं इसी कैमरा से। ये है जो पहले के फ़ोन्स आते थे कुछ उस तरह से लग रहा है। AI फीचर को इसको पहले डिसेबल करते हैं और देखते हैं कैसा आता है। ये है कुछ नॉर्मल फ़ोटो, एक बड़ी वाली स्माइल की फ़ोटो। आई थिंक कैमरा को इम्प्रूव करना अभी ज़रूरी है क्योंकि इसमें फोकस अच्छे से हो नहीं पा रहा है। ये कलर तो ठीक ही ठाक आ रहे हैं, काफ़ी वाइब्रेंट सा एलुइस वार्म टोन में ज़्यादा इसका जा रहा है। और ये हम लोग इसका गिव अवे कर रहे हैं, तो मेक श्योर आप लोग पार्टिसिपेट कर लिए होंगे, लास्ट वाली वीडियो है चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। तो इसका पहले कैमरा सैंपल देख लेते हैं। जो कैमरा डिटेल है अच्छी है, जो बॉक्स पे देखिए टेक्सचर जो हो गए हैं वो भी आ गए हैं, लेकिन ये वार्म साइड पे ज़्यादा फोकस करके दे रहा है। अभी कैमरा को इम्प्रूव करना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि
अभी इसमें फोकसिंग के लिए मतलब इसको लॉन्च हुए आई थिंक 3-4 महीने हो गया, सॉफ्टवेयर अपडेट से ठीक हो जाना चाहिए था बट अभी नहीं, इसमें कुछ काफ़ी ग्लिचेज हैं। और रिव्यू का तो फ़ोन अच्छा है, डिज़ाइन वाइज अच्छा है, कैमरा में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ अगर आप कर सकते हैं मतलब वार्म टोन्स रहता चल जाएगा फ़ोन जिस प्राइस पे आ रहा है। अभी मैंने इसको परचेज किया तो ये आई थिंक 13,500 के रेंज में आ रहा है, लेकिन फ्लिपकार्ट से लिया तो उन्होंने 29 रुपीज़ लिया है पैकेजिंग का, ये कुछ मेरे को समझ में नहीं आया ये बात। बाकी फ़ोन अच्छा है, जो यूजबिलिटी के हिसाब से फ़ोन अच्छा है, बैक में ग्लास मिल जाता है काफ़ी बढ़िया है, शाइनिंग ग्लास है, मस्त चमकाने में मज़ा आएगा। और बस यही था इस वाली वीडियो में, बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।